हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको एक सुंदर सा कुर्ती का गले का डिज़ाइन बताऊंगी। तो इसकी हम देखना, चौड़ाई हम 3 इंच रखेंगे, डीप हम इसको 6 इंच रखेंगे। तो 3 इंच चौड़ा और 6 इंच लंबा हम एक बॉक्स बना लेंगे। सेम ऐसा ही इसको पलट के हम दूसरी साइड भी करेंगे। ये बुकरम हमारा डबल फोल्ड में है, तो सेम ऐसा ही हम रिपीट करेंगे। इधर साइड भी एक हमें बॉक्स बनाना है, 3 इंच चौड़ा और 6 इंच डीप। ये देखिए, लाइन स्ट्रेट करके हम बॉक्स बना लेंगे। अब इसको हम खोलेंगे। अब हम इसमें गले की शेप ड्रॉ करेंगे। तो बिल्कुल हल्के हाथ से हमें शेप ड्रॉ करनी है। ये गला एक साइड से सीधा रहेगा, एक साइड से राउंड थोड़ी शेप आएगी। तो हल्के हाथ से बिल्कुल शेप हमें ड्रॉ करनी है। ये देखिए, मेरी शेप ड्रॉ हो गई है। अब इसके साथ साथ आधा आधा इंच बुकरम हम और रखेंगे, एक लाइन और ड्रॉ करेंगे। और पहले आउटर वाली लाइन से कट करेंगे और फिर अंदर वाली भी लाइन से कट करके हमारे पास ब्यूटीफुल सा गले का ये डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। अब इसको अंदर वाले लाइन से भी कट कर देंगे। जहाँ जहाँ मार्किंग की है हमें सिर्फ वहाँ वहाँ कट करना है। तो अब चलिए इसको गले को कुर्ती पे अटैच करते हैं। सबसे पहले हमने इसके साइज़ का एक कपड़ा लिया, इसको पिन की हेल्प से मैंने इसको सेट कर लिया। गले का सेंटर मार्क किया मैंने और छोटा सा कट डाल दिया है। अब हम लेंगे कुर्ती का फ्रंट पार्ट, फ्रंट पार्ट का सेंटर मार्क करेंगे। उसके बाद इसको सेंटर से सेंटर मिलाते हुए, गले का सेंटर और कुर्ती का सेंटर, सेंटर से सेंटर मिलाते हुए हमें बिल्कुल किनारे किनारे, बुकरम के बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई लगानी है। देखिए, आपको आइडिया हो जाएगा, मैं बिल्कुल किनारे से सिलाई लगा रही हूँ इस पर। अब सिलाई लगाने के बाद हमें क्या करना है, हमें अंदर वाला फैब्रिक कट कर देना है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि कहीं से भी हमारा स्टिच ना कटे। तो हम कट करते हैं इसको। ये देखिए, मैं बिल्कुल पास से काट रही हूँ, लेकिन सिलाई को हमें बचाना है, सिलाई हमारी नहीं कटनी चाहिए। अब हमें इसको रोंग साइड में पलट देना है। तो रोंग साइड में पलट के मशीन की सिलाई हमें यहाँ पे बड़ी करनी है, बड़ी चाल में ये सिलाई लगानी है। बिल्कुल किनारे किनारे हमें बड़ी चाल करके अच्छे से फिनिशिंग से फोल्ड करते हुए पूरा गला हमें बैक साइड ले जाना है और फिनिशिंग से हमें ये सिलाई लगानी है। ये देखिए, बिल्कुल फिनिशिंग आनी चाहिए। किनारे जहाँ पे भी कोने होते हैं वहाँ से हमें ध्यान रखना होता है कि हमारी फिनिशिंग आए। उसके बाद हमें ये सारी पिंस निकाल देनी है और जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको बुकरम के अंदर फोल्ड करके यहाँ पे भी बड़ी चाल से ही, मशीन की चाल बड़ी ही रखनी है, बड़ी चाल से एक सिलाई और लगानी है। इसके बाद हम इसमें तुरपाई कर देंगे और ये बड़ी सिलाई जो है मशीन की सिलाई, ये हम खोल देंगे। तो देखिए, हमारा ब्यूटीफुल सा नेक डिज़ाइन रेडी हो गया है। मैं आपको दिखाती हूँ इसकी लुक। आपको वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो देखिए, आपको कैसा लगा ये गले का डिज़ाइन।